अपने समय की सुप्रसिद्ध बॉलीवुड हीरोइन साधना यानी कि साधना शिवदासिनी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। साधना अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और 1947 में देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया। साधना का नाम उनके पिता ने उस दौर की अपनी पसंदीदा हीरोइन साधना बोस के नाम पर रखा था। उनकी मां ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर पर ही पढ़ाया। गुजरे जमाने की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा में से एक साधना का जन्म 2 सितंबर को हुआ था। लड़कियों के बीच चूड़ीदार सलवार का फैशन फेमस करने का श्रेय साधना को ही जाता है। उनका हेयर स्टाइल साधना कट नाम से आज भी फेमस है। इस हेयर कट की कहानी भी मज़ेदार है। दरअसल साधना ने अपने चौड़े माथे को छिपाने के लिए इस तरह का हेयर स्टाइल अपनाया कि उनके बाल माथे पर रहें। लेकिन ये स्टाइल इतना फेमस हुआ कि 60 और 70 के दशक में तो हर लड़की साधना की तरह हेयर स्टाइल करने की कोशिश करने लगी। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन में शुमार रही साधना के पीछे तब तक हर कोई रहा जब तक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया। लेकिन उन पर मुसीबत आई और लोगों के सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो वो फिल्म इंडस्ट्री भी पीछे हट गई। साधना खूबसूरती और टैलेंट का बेजोड़ संगम थी। उन्हें बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था तो चली आई फिल्म इंडस्ट्री में। उन्हें पहला ब्रेक 1955 में आई फिल्म श्री 420 से मिला। फिल्म हिट रही और इसमें साधना के काम को भी नोटिस किया गया। लव इन शिमला, प्रेम पत्र, एक मुसाफिर, एक हसीना, वो कौन थी और मेरा साया जैसी कई ऐसी फिल्में रहीं जिनमें साधना के काम को काफ़ी सराहा गया और वो सुपरहिट साबित हुई। साधना ने लव इन शिमला के डायरेक्टर रामकृष्ण नैयर से 1966 में शादी की। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर ही हुई थी। उस समय साधना सिर्फ 16 साल की थी, जी हाँ, और नैयर 22 साल के थे। साधना के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे लेकिन राज कपूर की मदद से दोनों की शादी हो पाई। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साधना की हालत बेहद खराब हो गई थी। नैयर का निधन 1995 में हो गया। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। पति के निधन के बाद वो अकेले रह गई। फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में भी तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। वापस आने के बाद कई फिल्में की लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में कर छोड़ने का फैसला कर दिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना की आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक एविडेंस फैशन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी जी रही थी। उनका कोई अपना करीबी नहीं था। गिरती सेहत और बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त और हीरोइन तबस्सुम ने साल 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया। जी हाँ, तबस्सुम का कहना था कि इस होनहार हीरोइन को फिल्म फेयर और दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। 74 साल की आयु में
25 दिसंबर 2015 में साधना ने अंतिम सांसें ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में साधना की यादें काफ़ी गहराई तक समाई हुई है। आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों को इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं और उनके फैशन को पसंद करते हैं।